नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनवायरनमेंट इन मोशन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट लेके आई हूँ जो कि एक सकुलेंट वैरायटी है। इजी टू ग्रो है, इजी टू केयर है। एक बार इसको एक छोटी सी कटिंग भी लगा दोगे तो ये प्लांट एक प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हो। और वो प्लांट है ये पेंसिल कैक्टस। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि आपके घर की शोभा को बढ़ा देगा। बिना फ्लावरिंग के भी ये प्लांट बड़ा अच्छा दिखाई देता है, बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, पेंसिल कैक्टस है। कैक्टस होने के बावजूद तो इसमें कोई कांटा नहीं है, छोटी छोटी पत्तियां आती हैं। अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन थोड़ा सा इसके लिए डॉर्मेंसी का होता है क्योंकि तब ये थोड़ा ग्रो कम करता है। बट फिर भी ये प्लांट बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है बट इसमें बहुत छोटी छोटी पत्तियां आती हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देती हैं। बड़ी ही सुंदर लगती हैं वो पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां आती हैं। ये देखिए, और ये पत्तियां भी बहुत सुंदर लगती हैं इसके ऊपर। ये जो है ये मेरा मदर प्लांट है जो कि मैंने 2 ईयर पहले कटिंग से लगाया था और देखिए कितनी अच्छे से ये ग्रो हुआ है। इसी प्लांट को कटिंग कर करके मैंने और भी बहुत सारे प्लांट बनाए जो कि इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सभी की देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे प्लांट हैं। ये सारे मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। ये बहुत सारी कटिंग जो मैंने एक साथ इकट्ठी लगा दी थी इसलिए ये बहुत सारा बहुत अच्छा सुंदर बुशी प्लांट बन गया हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्लांट है आउटडोर भी लग सकता है, इंडोर भी लग सकता है। बट क्या होता है कि जब हम इसको आउटडोर लगाते हैं तो इसकी ग्रीनरी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, ये ज़्यादा ग्रीन नहीं रहता है। और जो इंडोर लगाया मैंने उसमें और इसमें देखिए कितना फर्क है। ये बिल्कुल लश ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा सा फीका दिखाई दे रहा है। देखिए लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फर्क है। वो इसलिए क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ता है। अभी जैसे विंटर है तो सर्दियों में कोहरे वगैरह भी पड़ रहे हैं तो उसका भी फर्क पड़ रहा है, इसलिए इनमें ये फर्क रह जाता है। बाकी ये प्लांट तब भी ग्रीनरी कम है उसके बावजूद भी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने अभी बात करी इसकी खूबसूरती के बारे में, इसके बारे में कि ये कहाँ लग सकता है, आउटडोर भी लग सकता है, इनडोर भी लग सकता है। अब बात करेंगे हम इसमें इसको कटिंग के साथ कैसे लगाया जाता है, इसको ग्रो कैसे किया जाता है। बड़ा ही ईजी टू ग्रो है। हम इसकी छोटी सी कटिंग से भी कटिंग ले लेंगे, छोटी से छोटी कटिंग भी लगा लेंगे ऐसे काट के। इसमें से ना थोड़ा सा मिल्क निकलता है, थोड़ा पॉइजनरी होता है, चीनी को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है तो इसलिए ग्लव्स वगैरह पहन लें जब भी इसको लगाना हो। तो क्या मैंने तो ऐसे भी लगा दिया था तब भी लग गए थे, बट अगर आप इसको 1 या 2 दिन के लिए ऐसे ही कटिंग को रख देंगे और ये जो मिल्क है ये सूख जाएगा और उसके बाद किसी भी मिट्टी में किसी भी तरह की वेल ड्रेन मिट्टी होगी ना तो उसमें लगा दूंगे तो ये कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। अब मिट्टी ऐसी चाहिए इसको जो कि वेल ड्रेन मिट्टी। इस पौधे को पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है क्योंकि ये एक सकुलेंट वैरायटी है। सकुलेंट वैरायटी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जैसे ये टहनियाँ है ना इसमें पानी भरा रहता है। 3-4 दिन अगर आप इस प्लांट को पानी नहीं भी दोगे तब भी ये प्लांट आपसे नाराज नहीं होगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को ना ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल आप गोबर की खाद भी इसमें साल में 1 या 2 बार डाल दोगे तब भी ये प्लांट बहुत खुश रहता है। जैसा कि आज हमने बड़े ही खूबसूरत प्लांट कैक्टस के बारे में आज बात करी है, पेंसिल कैक्टस के बारे में कि उसको कैसे सॉइल चाहिए, कैसे फर्टिलाइज करना है, कैसे पानी देना है, इजी टू ग्रो है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिगनर हैं और आपके या फिर आपके पास टाइम नहीं है और गार्डनिंग का बहुत शौक है तो आप अपने गार्डन में इस प्लांट को रख सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा क्योंकि हफ्ते में एक बार भी पानी देंगे तब भी ये खुश रहेगा, तब भी ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।